बहुत बड़ा एक मिसहैप है कि अपनी बच्चे भाग रहे हैं अदालतों में मर्जी की शादियां करने के लिए और मां बाप डटे हुए अपनी मर्जी पूरी करवाने के लिए। ये भी नादान है, वो भी नादान है। इन नौजवानों से कहता हूं, ऐसा इश्क ना करो कि अदालतों में जाके निकाह कर रहे हो, मां बाप की दुआ ना मिले तो जिंदगी भर कभी बहार ना देखोगे। और मां बाप से कहता हूं, ऐसा जुल्म ना करो बस यहीं तेरी शादी करनी है, करनी है तो करने तो जहां जाता चला जा, ये जुल्म भी मत करो। हमारे देश में बेटियों से कोई नहीं पूछता कि बेटी ये रिश्ता है तेरा कर दें। बेटे तो आज कुछ रोशन जमाना आ गया फिर भी कुछ अकड़ मकड़ कर लेते हैं, लेकिन देहातों में नहीं हो सकता, ये हमारे माहौल में ये कोई नहीं है। उसे वहीं करनी पड़ेगी जहां बाप ने कह दिया है। वो उसे नहीं पसंद, मुझे आकर कहेगा, इसे कहेगा जी मैं इतने नहीं करना, लेकिन मेरा प्यो डंडा चाहिए खलोता, मैं की करा। ये ज्यादती और जुल्म है। और कहीं बच्चे तो आवाज उठा लेते हैं, बच्चियां तो बोल नहीं सकती, घुट घुट के मर जाती हैं। कोई मां बाप ये सलीका नहीं रखता, बेटी ये तेरा रिश्ता आया है हम कर दें, तेरी पसंद है हम कर दें। सिर्फ बच्चियों को बताया जाता है, बताने की तकलीफ भी गवारा नहीं होती, बस भाई हो गया तेरा। हमारे फैमिली टर्म बहुत जिम्मेदारा फैमिली, वो भी हम, एक बच्ची का फोन है मुझे, हमारा बहुत पुराना ताल्लुक घर जैसा कमोला ना, मुझे इतनी तालीम दिलवाई, इतने आला कॉलेज में पढ़ाया, और मुझे फोन आया कि तेरा असी रिश्ता कर छड़े, बस उथे कर छड़े ते फलानी तारीख नु तेरा निकाह है। तो मैं इस पर भी राजी थी, लेकिन इतना तो देख लेते कि इंसान भी है कि नहीं। एक शराबी से मुझे बांध दिया, आज मेरी जिंदगी अजाब बनी हुई है। चलो जहां अपनी मर्जी पूरी करते करते बस ऐसी घर तो बाहर नहीं करना, घर ज करना है, घर शराबी तो सिवा है कोई नहीं, लिहाजा इतना ही करना। ये कौम का बुत तोड़ो जी हां, असा तो जी सिर्फ अराइया करना है, असी सिर्फ राजपूतों च करना है, असी शेख हैं जी, असी शेख हैं, असी बाहर कभी रिश्ता नहीं किया। ठीक है, अपने कौम में करो, अच्छी बात है। अगर जोड़ नहीं तो अल्लाह के वास्ते बाहर निकलो। अगर आपकी बेटी तैयार नहीं तो अल्लाह के वास्ते जबा मत करो, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। कबूल लड़की करती है ना कि अब्बा, कबूल लड़का करता है ना कि अब्बा, ये इख्तियार तो शरीयत बच्चे को दे रही, बच्ची को दे रही कि मैंने कबूल किया, कहेगी तो निकाह। वो कहते मैंने कबूल नहीं किया तो अब तो नहीं होगा। मेरा गांव रावी के किनारे है, कितनी बच्चियां जबा करके डाल दी गई रावी में, अपनी मर्जी की शादी कीती ही ना, बस ठीक है जबा कर दिया। सारी जिंदगी बेटे जिना करते हैं तो कहो जी छोर छिकरन कर दी रह जाते, बेटी पर शक पड़ जाए तो जबा कर देते। हाय 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 मेरे नबी ने आखिरी खुतबे में बेटों के लिए नसीहत नहीं फरमाई थी, औरत के लिए नसीहत, तुम्हें औरतों के बारे में नसीहत करके जा रहा हूं, आखिरी खुतबा, तुम्हें औरतों के बारे में नसीहत करके जा रहा हूं। ऐसी दर्द भरी दास्तानें मैं जानता हूं, मेरे दाएं बाएं हुई हैं, हो रही हैं। मां बाप को कह रहा हूं कि अल्लाह के वास्ते मां बाप होने का गलत फायदा मत उठाओ, बाजी ऐसे ही करना है, खबर सज ऐसी को नहीं करना, असी कौम तो बाहर नहीं करना, करना ही तो कर नहीं तो बैठे रहो। मेरे अपने खानदान में हम छोटे छोटे कितनी बूढ़ी हमारी पता नहीं दादियां नानियां जो भी लग दिया पता नहीं की लग दिया बगैर शादी के मर गई, कि कौम में रिश्ता कोई नहीं था, खानदान में रिश्ता कोई नहीं था। ये सितम आज मेरे देश में है, ये भी जुल्म है। सिर्फ जमीन दबाना जुल्म नहीं, ये भी जुल्म है। रिश्ता लेने लाने रिश्ता मांगने वाले अली और मांगा जा रहा है फातिमा का, नबियों के बाद सबसे अजीम जोड़ी अली और फातिमा।
तो आसमान पे तय हो चुका है। अली आकर बैठ जाते हैं, शर्म की वजह से बोल नहीं सकते। आपको तो पता है क्यों आए, अली कैसे आए? चुप। फरमाया फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो गए? अच्छी। तो हमने कहा इंशाअल्लाह। पहले एक हदीस सुनो, मेरे नबी ने कहा मैंने जहां शादी की, मैंने जहां बेटी दी, पहले आसमान से वही आई फिर मैंने कदम उठाया। इसका मतलब है आसमान से वही आ चुकी है, आ चुकी है। चूंकि पहले अबू बकर ने आकर रिश्ता मांगा, आपने इनकार कर दिया। हजरत उमर ने आकर रिश्ता मांगा, आपने इनकार कर दिया। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हजरत अली से कहा अली तू जा मांग, तुझे नहीं इनकार होगा। हजरत अली ने कहा मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरा तो घर भी अपना नहीं, मुझे दे देंगे? कहा जरूर, तुझे जरूर देंगे। तो उनको भेजकर ना खुद बाहर सारे खड़े हो गए। तो आपने कहा अच्छा इंशाअल्लाह, और ये कहकर उठ गए। हज़रत अली परेशान होकर बाहर निकले तो अब पूछा अब्दुर्रहमान क्या हुआ? कहा इनकार हो गया। उन्होंने कहा कैसे? कहा बस कुछ नहीं कहा। कहा कुछ तो कहा। कहा इंशाअल्लाह कहा। तो कहा तो बस हो गया। कहा वो कैसे? कहा नबी का इंशाअल्लाह हां होता है, ये हां है अली, हां है। अच्छा अब ये इंशाअल्लाह क्यों कहा है जबकि आसमान से वही आ चुकी, जिब्रील पैगाम ला चुके हैं, अब ये इंशाअल्लाह क्यों कहा है? एक काम करना बाकी है। अब घर गए, बेटी फातिमा अली का रिश्ता आया है, कर दूं? हो हो हो, इसलिए नहीं हां की वहां। हमारे वालदैन अपनी बेइज्जती समझते हैं बेटी से पूछना, कि धियां को लो कोई पुशींदा है। हमारे जिम्मेदारों में तो बहुत जुल्म होता है, जैसे कोई गाय भैंस है, जैसे कोई भेड़ बकरी है, गले में रस्सी डाल के और किसी के किले पे जाके बांध दो, किसी के खूंटे के साथ जाके बांध दो। शहरों में तो फिर भी तालीम आ गई है, कुछ ना कुछ बच्चियां भी बोल पड़ती हैं, उसके बोलने को बगावत समझा जाता है। ओ भाई ये बगावत नहीं, अपना हक मांग रही है। हां मैं औलाद से भी कहता हूं, अगर मां बाप जबर कर जाए फिर सह जाना, फिर अल्लाह तुम्हारे लिए खैर की शक्लें पैदा करेगा। बागी हो के कदम उठाओगे तो तबाही है। लेकिन मां बाप से भी कहता हूं ऐसे नादान न बनो, ऐसे नादान न बनो। क्या हजरत फातिमा इनकार कर सकती थी? क्या हजरत फातिमा पर इतना एतमाद नहीं था मेरे नबी को? क्या आप कहते हैं हां अली ठीक है बुलाओ मैं बाद में खुद पूछ लूंगा? नहीं नहीं, उम्मत को सबक देना है कि जो जोड़ी आसमानों पर तय हो चुकी हो उसमें भी पहले पूछना जरूरी है। हज फातिमा ने अर्ज की जी हां। फिर वापस आए अली मजमा इकट्ठा करो, लोग इकट्ठे किए, फिर हज अली को यहां बिठाया सामने मेंबर पे खड़े हुए, कहा लोगो जिब्रील मेरे पास ये पैगाम लेकर आए अल्लाह का कि मैं अपनी बेटी फातिमा का हाथ अली के हाथ में दे दूं। फिर पूछा, क्यों पूछा? ऐ मेरी उम्मत बच्चियों से पूछना, ये उनका जिंदगी उन्होंने गुजारनी, तुमने तो नहीं गुजारनी, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी गैरत का सवाल है। तुरी जिंदगी तो गुजर चुकी है, इसलिए अभी शुरू कर रही है, क्यों इसको सिसका के मारना चाहते? फिर बेटियों को हिस्सा कोई नहीं देता वरासत में, क्या कहीं कूड़े के ढेर पर पड़ी मिली थी या कहीं यतीम खाने से उठा के लाए थे या किसी और पेट में इस बच्ची ने प्रवेश पाई या किसी और छाती का दूध पिया या किसी और पानी से ये बनी? तेरे पानी से बेटा बना, तेरे पानी से बेटी बनी। एक छाती का बेटे ने दूध पिया, उसी छाती का बेटी ने पिया। परवान चढ़ी तो जहेज देकर रुखसत। अब चंद दिन पहले एक खातून का मुझे फोन आया एक शहर से कि जी भाइयों ने बाप बीमार हुए तो भाइयों ने फ्रॉड करके सारी जायदाद अपने नाम लगवा के मुझे खाली हाथ कर दिया है, मैं दर बदर फिर रही हूं, ना मेरे पास घर है ना मेरे पास खाने को रोटी है, और भाइयों ने सारी जायदाद पे कब्जा कर लिया। ये हर घर की कहानी है, 100 में 100 ये कर रहे हैं, कोई लाखों में एक है जो बच्चियों की विरासत का एहतमाम करता है। बाप मर गया, मां बेवा हो गई, अगर बाप की विरासत है तो 8वां हिस्सा मां का है, 8वां हिस्सा मां का है, 8वां हिस्सा मां का है। मां को यहां तक मत पहुंचाओ कि तुम्हारे सामने यूं करे।
जिसकी छातियां लटक गई तुम्हें दूध पिलाते हुए, वो यूं करे कि मुझे पैसे दो। अगर बाप की विरासत है आठवां हिस्सा उसको दो, नहीं है तो ठीक है, तो उसका हक है, बेटियों का हक है, उन्हें दो। तुम्हारे बेटे तुम्हारे लिए अजाब बन जाएंगे आखिरत में अगर बेटियों को हक ना दिया। तो उन पर मादी जुल्म भी है, जानी जुल्म भी है, रूहानी जुल्म भी है। ना जायदाद देते हैं, ना उनकी राय लेते हैं, भेड़ बकरी की तरह किसी की खुरली पे बांध के आ जाते हैं। लोगों, जिब्रील मेरे पास अल्लाह का पैगाम लाए हैं, फिर निकाह किया, 400 दिरहम 480 दिरहम दोनों है। अली, फातिमा बिन्त मोहम्मद को तुम्हारे निकाह में दिया, कबूल है अजी, कबूल है, और सजदे में सर रख दिया, रब औज़ेनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया, ये दुआ मांगी। अल्लाह के नबी ने जोर से आमीन कहा, फिर आपने सबको शहद का शरबत पिलाया या छुआरे खिलाए, फिर रुखसती हुई महीने बाद, 6 माह बाद, साल बाद, या फौरन, सारी रिवायत हैं। हज़रत अली आए तो आपको अंदर ले गए, हज़रत फातिमा का हाथ पकड़ा और अली के हाथ में दिया और कहा, अली आपको नबी की बेटी मुबारक, अल्लाह आपको नबी की बेटी मुबारक। फिर फरमाया, मेरी बेटी मुझे अपने खानदान में जो सबसे ज्यादा महबूब था, मैंने तेरा हाथ उसके हाथ में दिया है। जिनके फैसले आसमान से हो चुके हों और जिब्रील आके सुना रहा हो, वो पहले पूछने जा रहे हैं, बेटी कर दूं? हमारी कौन सी ये गैरत है, ये कौन सी इज्जत है? खानदान से बाहर अच्छा रिश्ता मिले करो, खानदान के अंदर मिले वो बेहतर है, वहां करो। लेकिन अगर खानदान में जोड़ नहीं, बाहर देखो, ये अराइयों का बुत तोड़ो, राजपूतों का बुत तोड़ो, शेख पठान बट जट पतनी की कुछ बनाई फिर दिन गर्म मसाले, ये बुत तोड़ो, इनसे बाहर निकलो। मेरे नबी ने 2 बेटियां बनू उमैया को दी, जिनसे टक्कर 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 टक्कर, हजरत जैनब का निकाह अबुल आस, अबुल आस बिन रबिया बिन उमैया बिन अब्द शम्स, उमैया के पोते को अपनी बड़ी बेटी दी, और उस्मान बनू उमैया में से 2 बेटियां उनके निकाह में दी, रुकैया उम्म कुलसुम। और जब उम्म कुलसुम पे इंतकाल करेंगे तो फरमाया, अगर मेरी 100 बेटियां होती तो मैं 100 और इस तरह मरती तो मैं एक एक करके उस्मान के निकाह में देती। बनू उमैया में बेटियां दी, 1 बेटी फातिमा अपने घर में दी अली को, अपने खानदान में शादी की कुरैश, खानदान से बाहर बरादरी में शादी की अरब, हिलालिया मुस्तलक, फिर बरादरी से भी बाहर यहूदी नस्ल में शादी की, हजरत सफिया बनु इसराइल में यहूदियों में से। अपने नबी को तो देखो क्या किया उन्होंने, हमारे हम अपने नबी से भी आगे जा चुके हैं। कितने बच्चे मेरे पास आते हैं नौजवान कि जी शादी करना चाहता हूं, वहां बच्ची भी तैयार है, लेकिन वो कहते हैं बस हमने राजपूतों से बाहर नहीं करना, हमने अराइयों से बाहर नहीं करना, हमने शेखों से बाहर नहीं करना। मैं उनको ये, भाई देखो बेटा, कोर्ट मैरिज से बचना कि बरकत नहीं होती, अल्लाह से मांगो, नहीं हो तो फिर सब्र करके पी जाओ। अच्छा भाई बस करें। तो ये एक खूबसूरत जिंदगी है जिसको सीखने की जरूरत है। ये तबलीग में जाना उसको सीखना है। ये वो जिंदगी के वो मसाइल हैं जो आमतौर पर मेंबर से बयान नहीं होते, आमतौर पर इनको नहीं सामने लाया जाता, जिसकी वजह से हम ऐसे उलझे पड़े हैं। मैं आपकी मिन्नत करता हूं, अपने नबी की पाकीज़ा सीरत सीखो, जिंदगी सीखो, कुरान पढ़ो, सीरत पढ़ो, उलमा से राबता रखो, उलमा को इज्जत दो, हर फिरके के आलिम को इज्जत दो, आपसे इख्तलाफ करे, आपको बुरा भला कहे, इज्जत से सलाम करो, मोहब्बत करो, तबलीग में वक्त लगाओ, तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी के रोशन बाब खुलते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे।
और वो चिल्ला चार महीने के लिए तो जिसके नसीब में होगा वो निकलेगा, लेकिन एक मुतालबा मैं हर बयान के आखिर में क्या करता हूँ वो अब भी कर रहा हूँ कि माशाल्लाह अक्सर नौजवान खड़े हो बैठे हो, पीछे भी ग्राउंड में लोग बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे तौबा की तश्कील करवाना चाहता हूँ कि अब हम सब मिलकर इज्तमाई तौबा कर लें कि तौबा से अल्लाह खुश पड़ा होता और पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो क्या ख्याल है, तौबा करना है? तो तौबा करते हो? पक्की करते हो? कहो मेरे साथ, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। मुबारक मुबारक मुबारक। अगर आपने पक्की कर ली है तो अल्लाह के फजल से आपके पिछले सब गुनाह माफ हो गए। अब इन उलमा से पूछ लेना कि इसकी तरतीब क्या है, फराइज छूटे हैं क्या करना है, हुकूक छूटे हैं क्या करना है, लेकिन गुनाह माफ हो गया, नमाज नहीं पढ़ता था, गुनाह माफ। अब करना क्या है, किसी के हक दबाए थे, गुनाह माफ। अब हक अदा कैसे करना है, ये अपने अहले इल्म से या जिस पर आपको एतमाद हो उससे जाकर आप पूछ लो। और आप जहां जहां से आए हो, मेरी ये गुजारिश है, महीने में 3 दिन तबलीग में जरूर जाते रहो, सिर्फ 3 दिन नियत करते हो सारा मजमा सारे। और जो आप फैसलाबाद में रहते हो तो जुमरात को मरकज में जाया करें, जो हमारा यहाँ इस्माइल मस्जिद है, जहाँ माशाल्लाह दीन की बात जुमरात को होती है, रात वहां गुजारो, आपको बहुत फायदा होगा, वरना कम कम मगरब से इशा का वक्त जरूर वहां गुजारो। और आखिरी बात यह है कि अगर आप किसी से लड़े हुए हो तो यहां से उठ के सुलह कर लेना, लड़ाई जेबा नहीं, कता ताल्लुक। लड़ाई होना कोई मसला नहीं, ऊंच नीच कोई मसला नहीं, कता ताल्लुक, बोल चाल बाजी होना सी गल ही नहीं करना, अजी जी बस बाइकॉट करता है, जड़ा उदे जाएगा वो साडा दुश्मन, हमारे देहातों में तो ये कहते, जड़ा ओनो मिले वो साडा भी दुश्मन है, असि लीके छिक छड़न, जटा दे बैठो ने मैं उन्होंने असि लीके छिक छड़न, ये लीके मिटा छड़ो नहीं तो मौत ओ लित्र मारने ना। तो भाइयों, जिससे आप नाराज हो लड़े हुए हो सुलह कर, खास तौर पर बीवी से खटपट है ना तो जाते ही सुलह कर, क्योंकि जब मियां बीवी लड़के सुलह करते हैं तो अल्लाह उनके पिछले सारे गुनाह माफ कर देते, सारे गुनाह माफ कर। और अजब हदीस सुना, सबसे पहले जो तराजू में तोला जाएगा ना अमलों को, तो नमाज है या रोजा या तबलीग या इलम या हज, नहीं नहीं, सबसे पहले बीवी से सुलूक तोला जाएगा, सबसे पहले बीवी से क्या करता था ये तोला जाएगा। इसलिए भाइयों, अगर कोई अनबन है हो जाता है, कोई मसला नहीं, हो जाता है, सुलह कर लेना, सुलह कर। किसी से आपकी बोलचाल बंद है खुद जाके सलाम कर लेना, तो इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए खैर बरकत के रास्ते खोलेगा। अब जो भाई हमारे बच्चे कल से जा रहे हैं ना, बच्चे हमारे हैं, तो जो कल से हमारे बच्चे जा रहे हैं, इनके साथ जो भाई चिल्ले के लिए नौजवान तैयार हो, जरा खड़े होकर दीदार करा दो, फिर दुआ करा दो जो इनके साथ कल